मध्य प्रदेश के सागर के बंडा में उस वक्त मातम पसर गया जब 10 दिन पहले घायल हुए क्रिकेट खिलाड़ी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका इलाज भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। उसे गोली लगी थी, वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसके जीजा ने मारी थी। 10 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम में वो घायल हुआ था और सागर के बाद उसे भोपाल रेफर किया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। यह बहुत मिलनसार लड़का था और क्रिकेट जगत में उसकी तगड़ी पहचान थी। फिलहाल इस क्षेत्र के हर घर में उसके लिए उसकी मौत के बाद मातम पसरा है। मृतक का नाम माउंटी परिहार बताया जाता है। जानकारी कहती है कि बीते 10 दिन पहले उसकी बहन, जिसकी शादी मुरैना के अखिलेश नाम के युवक से हुई थी जो ठेकेदारी का काम करता था, लेकिन उसने ठेकेदारी छोड़ दी थी और घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी और मृतक की बहन बंडा में बार नंबर 1 अम्बेडकर में अपने मायके में आकर रहने लगी थी। उसी को लेने उसका पति अखिलेश बीते दिनों बंडा आया था। देर रात उसने हंगामा किया। इसके बाद मृतक माउंटी परिहार मौके पर पहुंचा। उसने कहा कि जीजा आज रात रुक जाओ, कल बहन को ले जाना। बस इसी बात को लेके जीजा ने अपने साले माउंटी परिहार पर गोली मार दी और माउंटी परिहार की अब इलाज के दौरान मौत हो गई। माउंटी परिहार को 3 गोली लगी थी और 3 गोली के बाद वो बेहद घायल था, जिसका आज निधन हो गया है। जानकारी जैसा कि आपको विदित है, आपकी सूचना सत्य है, मुझे भी जानकारी जब मैं मिली थी मैंने इसकी तस्दीक की है। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि जीजा अखिलेश यादव ने अपने साले माउंटी परिहार पर गोली मारी थी अपनी पत्नी को ससुराल ले जाने के चक्कर में। और तो अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि 13 तारीख को वो BMC से रिलीव हुए थे, वहाँ के लिए भोपाल के लिए रेफर हुए थे और उसके बाद उनका इलाज बंसल हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई थी, इससे जानकारी मिली। और अभी वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई लोकल थाने से की जा रही है और अगर कार्रवाई निश्चित रूप से हमारे द्वारा की जा रही है, चली रही। सर, सर्चिंग के दौरान जीजा की अभी लोकेशन आई क्या? नहीं, लगातार हमने अपनी टीम भेजी थी। 3 दिन हमारी टीम ने हॉल्ट किया था मुरैना जिले में, लेकिन चूंकि आरोपी घटना कारित करने के बाद से ही फरार है और जो भी हमारे पास माध्यम है और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, अतिशीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। माउंटी परिहार की मौत की खबर जैसे ही बंडा क्षेत्र में आई वहां मातम पसर गया। माउंटी चील पहाड़ी गांव में रहता था और बड़ा मिलनसार युवक था। उसके इस क्षेत्र में कई दोस्त हैं जो उसे बेहद चाहते थे। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें, उसे अपनों ने ही गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। जीजा ने साले को गोली मारी थी और आज साले ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में 302 की धारा कायम कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जब घरेलू रिश्ते बिगड़ते हैं तो एक वारदात होती है जहां अपने ही अपनों का खून बहा दिया करते हैं। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।